तो गाइस यहाँ पे हो रहा है थोड़ा सा फोटोशूट, जब सोनू भाई ये बिजी फेरों में यार मैं भी क्या बोल रहा हूँ, मतलब पूजा में। ओके, फिर तो ऑब्वियसली अब भाभी के साथ ही होंगे। और ये लगी है पूरी टीम। और यहाँ पे यार देखो इतना अच्छा काम किया है कि जो पूर्वज, जो दादा दादी हैं ना, जो हमारे बीच नहीं रहे, तो उन सबका यहाँ पे फोटोग्राफ उनके रखे हुए हैं और एक तरह से उनका आशीर्वाद लिया गया है जोत जगाकर। तो दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल, जो आपके मतलब अपने दिल को टच करता है यार ऐसी चीज़ें ना, कि हम अभी भी भूले नहीं हैं जो हमारे बीच नहीं रहे हैं। तो खैर फाइनली आज भाई ऑफिशियली एक शादीशुदा आदमी हो जाएगा। यार भगवान इसको हिम्मत दे, शांति दे कि शादी वास्ता है, कि शादीशुदा ज़िंदगी में कंटिन्यू कर रही है। गाइस मैंने पिज़्ज़ा लेके आई थी न्यूजीलैंड से ना, तो ये खाऊंगा मैं अब सारा, इसमें तीन चार ही होंगे ऐसे आप देख लो, ठीक है। ये टेस्टी बहुत लगा मुझे, तो मैं इसको ख़त्म करूंगा जब तक उमिता वहाँ पे नहीं जाती। ओके ओके, आई गेट दैट आल्सो, कोई बात नहीं। मैंने पाला पाली को बोला है, हां नो वन इज अलाउड अपनी भाभी ज्वाइन करने वाली है सोनू भाई को इधर। ये देखो भाई भी बहुत ही सुंदर लग रहा है, हैंडसम लग रहा है अपना भाई, नेक्स्ट लेवल। और फाइनली इधर बैठे हैं अपने पंडित जी। अगर टाइम लगा तो ना एक अलग प्राइवेट बातचीत करवाएंगे, बहुत सारे लॉजिक्स आज ना क्लियर कर दिए पंडित जी ने हमारे, जो कि रिचुअल्स के लिए होते हैं। इन्होंने हर एक चीज़ का रीज़न दिया प्रॉपर। एंड फाइनली वी आर हेयर, भाभी आ गई है भाई के पास। लो जी ऑलराइट गाइस, मैदान में एंट्री हो चुकी है कृष्ण अंकल की, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज। और यार ये फेरे का मोमेंट ना बड़ा स्पेशल होता है एक्चुअली में ना, जब दोनों फैमिलीज मिलती हैं, एक दूसरे को एक्सेप्ट करती हैं हर तरीके से। सो दिस इज़ एक्चुअली वेरी वेरी अमेजिंग एंड स्पेशल मोमेंट, जो एक ही बार होता है लाइफ में। तो गाइज इसको बोलते हैं गठजोड़ा करना, कि दोनों के पल्लूज ना बांधे जाते हैं, जोड़े जाते हैं बेसिकली। तो ये एक साइन है एक बॉन्ड का, एक प्योरिटी को ये रिफ्लेक्ट करता है एक्चुअली में ना, जो दो लोगों के बीच, दो परिवारों के बीच में है। ये देखिए वर कन्या चिरंजीव हो कृपा करे भगवान, विवाह संस्कार जब होने लगा और चलने लगी बारात, प्रेम भाव से सीता को यूं समझाती मात। पूरी आपके लिए, पुत्री अपनी सास को जानो मात समान, और ससुर महाराज को समझो पिता समान, पति अपने के चरण में रखना सच्ची प्रीत, यही तुम्हारा धर्म है यही सनातन रीत। इस तरह कहते हुए ली हृदय लपटाए, नेत्रों में जल भर गया और गए जनक जी आए, और बोले सिया से राखियो पिता अपनी की लाज, इतना कहकर गदगद हुए ज्ञानी जनक राव महाराज। तभी शतानंद पुरोहित जी बोल उठे ललकार, मेरा भी सिया जी कहना कर ली जियो स्वीकार, पति चाहे निर्धन हो चाहे हो करूप, प्रेम भाव रखना सदा जैसे छांव और धूप। इस तरह सिया ने जाते हुए सबको किया प्रणाम, और कहा मुझे स्वीकार है यह उपदेश तमाम, इस शाखा के स्वर्ण से हो भव सागर पार, वर कन्या दीर्घायु हो सदा करे व्यवहार, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गंधर्वे मंगलम कुमारीकाक्षा मंगलाय सर्वहरे, अमुक वेदिनो यजुर्वेदिनो अमुक साखिनो माध्यन्दनी साखिनो, अमुक सूत्रणों कात्यायनी सूत्रों त्रिपर्वस्य अध्यम गोत्रोत्पन्नम मित्तल गोत्रोत्पन्नम शाहन के श्री शाल जी नामने सिंह राशि मध्यम गोत्रोत्पन्नम दत्त गोत्रोत्पन्नम बादल दत्ती नामने पड़पोत्रीम देव दत्ती नामने पोत्रीम प्रेम दत्ती नामने पुत्रीम मध्यम गोत्रोत्पन्नम दत्त गोत्रोत्पन्नम धर्म मूर्ति धर्म अवतार श्रीमानी प्रेम अग्नि के नामने पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ, प्रांदेह बांध के अलग पालो कैसे।
हाँ जोड़ दो कि अग्नि देवता जैसे अपना गोत्र मित्तल है ना, अग्नि एक देवता है, बोलो आपका जो गोत्र है किले लोकेशन जी पूछ लेना मम्मी डैडी के नाम क्या वो मिनट टाइप ला लो वेट करिए थोड़ा सा चुपा इधर देखिए कहते थे लड़का हाँ वो दे रहे गिफ्ट वो मम्मी डैडी देखो मुझे तो आप उनको दे दो अकेले आप मनुष्य मत्त प्रसादेन भविष्यति न संशय स्वाहा सा त्रिशो का ध्यान कीजिए बोलो ओम कश्यप अत्रि वशिष्ठ विश्वामित्र है देखिए यम के नाम की भी यम महाराज आपको आपके मैं आपके दर्शन ना करूँ यहाँ लग लो अभ्यास अंदाज घी चम्मच भर लो अपने बस नीचे भर लो थोड़ा घी भर लो हाँ अभ्यास लग लो बिना देखा ओम चक्षुष श्रीमती ओम श्री भगवान यमाय नमः स्वाहा बस ये डैडी को दे दो तुम डाल दे राइट से ओम हरि ओम भूर्भुव सबलोम प्रजापते ओम प्रजापते स्वाहा कल्याण दूर है ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते नमः ओम इंद्राय नमः स्वाहा इदं इंद्राय नमः फिडाली ओम अग्ने स्वाहा इदं अग्ने नमः ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः ओम भू स्वाहा इदं वायवे नमः ओम स्वाहा स्वाहा कुर्सी हटानी पड़ेगी थोड़ी बैठ ना घूमने के लिए तो गाइस अभी होने वाले हैं फेरे भाई दिल थाम के बैठिएगा मजा आने वाला है ओम तन्नो अग्ने वर्णस्य विद्वान देवस्य हेडो व्यास विशिष्टा जिस वर्णितम सोसु चान विश्व ऋषि प्रबोधस्य नमः स्वाहा इसी बार दीजिए ओम हरि ओम खड़गम चक्र गदेश का परघाम शूलम भूषण दी श्री स्वाहा ओम भद्रमस्तु शिवम चास्तु महालक्ष्मी प्रदक्षिणंतु काम सुरे सर्वे संपदा सुस्थिरा भव अरे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद जय जय और विष्णु जी की जय जय उमापति गंबालिका नमानेति कश्चन सहस्रशः दुर्गां काम्पिल्लवासिं लम्बे स्वाहा तिरमुठा पडरो इवरो ओम भद्रमस्तु शिवं चास्तु महालक्ष्मी प्रसीदतु रक्षन्तु तां सुरे सर्वे संपदा सु स्थिरा भवतु रविरुद्रपिता महाविष्णुनुतं हरिचन्दनकुम्कुमपङ्कयुतं मुनिवृन्दगजेन्द्रसमानयुतं तव नौमि सरस्वतीपादयुगं बुलियाज के आनंद गंध भगवान की जय जय हो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हल्का सिंदूर लिया तीन बार थोड़ा नीचे सुपर लेके जाना अंगूठी के बीच से अंगूठी के बीच राइट राइट पूरा लेफ्ट में अंगूठी पकड़ो ये मेरे को सिंदूर मेरे को पकड़ा दे एक बार मैं चुटकी ले लो आप भरोसे तीन बार हल्का बिल्कुल थोड़ा नीचे थोड़ा हल्का डाल दो ओम हरि ओम श्रीष्टे लक्ष्मी शपतन्यावहो रात्रे पार नीचे सुपर ले जाओ ओम श्रीशते लक्ष्मी शपतन्यवहो रात्रे पार्श्वनक्षत्राणि रुमश्नो व्यातम ईशन निखाण मुम्मिखाण सर्वलोकम इखाण नम भद्रमस्तु शिवम चास्तु महालक्ष्मी प्रसीदतु रक्षन्तु तां सुरे सर्वे संपदा सुस्थिरा भव अब लेफ्ट हैंड लगा के फोटो खिंचवा लो इधर देखिएगा अभी तो इधर देखो पीछे डाल के पीछे डालना पड़े पहले आ गया ठीक है अब ले अब कर दो तालियां क्लैपिंग गाइस
फॉर लाइफ। ने जो आपके सानिध्य में आपको साक्षी मानकर ये बोलो पूजा जो की है वो अपनी पूरी श्रद्धा से भक्ति से भावना से की है, आपके आशीर्वाद से हमारा वैवाहिक जीवन मंगलमय हो, सुख शांति समृद्धि अन्न धन व्यापार रोजगार संतान की वृद्धि हो, हमारे सभी मनोरथ पूर्ण हो, भगवान हम पर सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखना। आप सभी देवी देवता कुल हमारे कर्म के साक्षी हैं, कुल हमारे कर्म के साक्षी हैं, आप हमें अपना आशीर्वाद देकर अपने अपने लोगों को प्रस्थान करें। भगवान गणेश, धन की देवी माँ लक्ष्मी, धन के भंडारी कुबेर, विद्या की देवी माँ सबसे हमारे घर में शांति सुख शांति समृद्धि करे। बोलो बाकी सभी देवी देवता अपने अपने लोगों को प्रस्थान करें। हम कोई पुनः धर्म का कार्य करेंगे तो आपको पुनः निमंत्रण देकर पुनः हम पूजन हम करें। बोलो गच्छ गच्छ, सुर श्रेष्ठ है, स्वस्थान है, परमेश्वरा यत्र ब्रह्मादया देवः स्तत्र गत हुताशन। यहाँ छोड़ दो परमेश्वरा यत ब्रह्मादया देवः सत्र गत हुताशना। बोलो यज्ञ पुरुष नारायण भगवान की, आज के आनंद कंद भगवान की, मुट्ठी पे गले पे छाती पे आज सज्जे खपी माथे पे गले पे और चेस्ट पे हार्ट पे। तो गाइस फाइनली ना भाई की शादी हो गई है। अब इससे एक डेढ़ दो महीने बाद मैं एक्सपीरियंस पूछूंगा कि कैसा लग रहा है शादी करवाने के बाद। अभी तो अच्छा ही लग रहा होगा ऑब्वियसली, ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहा है, आगे भी अच्छा लगेगा तो नहीं पता, उसके बाद ज्यादा अच्छा लगेगा। तो हमसे तो पूछे हमारे 10 साल हो गए। हाँ सर, आपकी तो शक्ल अच्छा लगता रहे। तो विक्रम भाई आप बताओ 10 साल हो गए शादी को। ये शादी का लड्डू लिखाने में भी मीठा लगता है। और अंकल जी आपको कितने साल हो गए? मेरे नहीं पता भाई, साल ही भूल गए अंकल जी। तो भाई फाइनली मैं बचा हूं, आई एम सिंगल सो स्टिल हैप्पी। बचा हुआ है अभी, छूट दी है तुझे। चलो चलो क्या कर रहे हैं।